मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार प्रक्षेत्र अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 वर्ग पंचम विषय संस्कृत पूर्णांक 70 समय 3 घंटे। तो मैं आपके लिए यहाँ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखेंगे आप, सबसे पहले पहला नंबर है निर्देशानुसारम शब्द रूपम चित्वा लिखता, कह रहा है कि बालक शब्द रूपस्य द्वितीया विभक्ति एक वचने किम भवति। तो बालक शब्द का द्वितीया विभक्ति एक वचन होता है बालकम। उसके बाद देखेंगे ख में लता शब्द रूपस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचने किम रूपम भवति, तो लता दो नंबर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ग का फल शब्द रूपस्य षष्ठी विभक्ति एक वचने किम भवति, तो फलस्य। अस्मत् शब्दस्य द्वितीया विभक्ति द्विवचने किम भवति, तो आवाम। अहम आवयम माम आवाम, तो आवाम होता है द्वितीया द्विवचन में। अब उसके बाद करेंगे तत् शब्द का पुल्लिंग शब्द रूपस्य तृतीया विभक्ति एक वचने किम भवति, तो तेन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है कि निर्देशानुसारम उचित धातु रूपाणि चित्वा लिखत, पठ धातु रूपस्य लट लकारस्य प्रथम पुरुष द्विवचने किम भवति, तो पठतः। ख में हो जाएगा लिंग लिख धातु रूपस्य लंग लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचने किम भवति, तो अलिखत। मध्यम पुरुष लिख धातु रूपस्य लंग लकारस्य मध्यम पुरुष, प्रथम मध्यम और उत्तम मध्यम पुरुषस्य एक वचने किम भवति, तो क्या हो जाता है लिखति अलिखत अलिखताम अलिखन अलिखह। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अलिखह यहाँ पर हो जाएगा आपका नंबर टू, क्योंकि लिख धातु का लंग लकार मतलब भूतकाल मध्यम पुरुष एक वचन में, तो अलिखह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आप देखेंगे गौ नंबर कह रहा है कि खाद धातु रूपस्य लिट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचने किम भवति, तो खाद धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में होता है खादिष्यामि। नेक्स्ट में चलेंगे हम लोग घ में, कह रहा है भू धातु रूपस्य लट लकारस्य प्रथम पुरुष एक बहुवचने किम भवति, तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो भवति भवतः भवन्ति, तो भवन्ति हो जाएगा। अब देखेंगे हम लास्ट में गौ में, कह रहे कि गम धातु रूपस्य लिट लकारस्य मध्यम पुरुष द्विवचने किम भवति, लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में, तो गमिष्यथ। तो क्या हो जाएगा दो नंबर गमिष्यथ। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नीचे, कह रहा है कि निम्न प्रश्नानाम उत्तराणि आम अथवा न माध्यमेन लिखता, कह रहा है कि पहला क्या हो जाए, किम प्रभात वेला मधुरास्ति आम, किम बाला उद्यानेषु क्रीडन्ति आम, किम प्रभात वेला सुखदायिनी अस्ति तो आम, किम चित्राणि सुंदराणि सन्ति आम, किम रमेशः ग्रामं गच्छति न, रमेश गांव नहीं जाता है, कहाँ जाता है विद्यालय जाता है, रमेशः ग्रामं न विद्यालयं गच्छति। अब देखेंगे चार नंबर में कह रहा है कि एतेषां नामानि लिखतात, यह वनराजः अस्ति सः सिंहः वनराजः, यह तीव्रं धावति सः अश्वः जो तेज दौड़ता है वह अश्व, यह वृक्षे कूर्दति सः वानरः, यह भारं वहति सः गर्दभः, शनैः शनैः चलति सः कच्छपः। अब हम देखेंगे यहाँ पर में कह रहा है कि मंजूषा तः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से उचित शब्द का को चयन कर, किसी शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ क में हो जाएगा सूर्य आकाशे उदितः सैनिकः देशम रक्षति मयूरः नृत्यति बकः मत्स्यः खादति पिकः मधुरम गायति। अब देखेंगे छः नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उचित शब्द ने मेलनम कुरुता, तो शुकः काकः, तो शुकः है यहाँ पर थोड़ा सा गलती से लग गया था, शुकः हो जाएगा, शुकः आपका हो जाएगा हरितः, काका हो जाएगा कृष्ण। अब देखेंगे बकह हो जाएगा श्वेतः दो नंबर, उसके बाद अश्व हो जाएगा धावकः पाँच नंबर, उसके बाद गजह हो जाएगा स्थूलः एक नंबर,
नेक्स्ट में चलेंगे हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को। कर्तृपद सह क्रियापदम लिखत, कर्तृपद के साथ क्रियापद लिखिए। तो कर्तृपद हो गया आपका सह, त्वम, अहम, तो, युवाम, इसके साथ यहाँ कोष्ठ में दिया गया है, उसके उसको देख करके यहाँ धातु रूप लिख लेना है। क्या हो जाएगा, सह पठति, त्वम खादसी, अहम लिखामी, तो गच्छतः, युवाम पठतः। ओके, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में कराएगा, निम्न प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखता, संस्कृतस्य पुस्तकस्य नाम किम, तो सुरभिः, किम पततीत पत्रम, कः गर्जतीत सिंहः, मेघः, बकः कुत्र तिष्ठति जले, कस्य चित्र प्रदर्शनी अस्ति संस्कृतस्य। यहाँ पर मैं आप जल यहाँ सिंह देंगे, गौ नंबर में सिंह देंगे, यदि मेघा भी रहेगा तो चल सकता है। चलिए नेक्स्ट में हम देखेंगे 9 नंबर में, 9 नंबर में कह रहा है कि निम्न प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य न लिखत, कह रात्रो जागर्ति तो उल्लू, कह कह जले तरति तो मत्स्य, मीन, भवान भवती कस्मिन् वर्गे पठति तो पंचम, मकरः कुत्र वसति जले, कदा रसं पिबामः तु प्रातः काले। संस्कृत भाषायां पंच अनुवादं कुरुत, संस्कृत भाषा में कर रहे 5 अनुवाद करने के लिए। तो वह पढ़ता है, सह पठति, वह खाती है, सा खादति, तुम जाते हो, त्वं गच्छसि, राम लिखता है, रामः लिखति। बिल्कुल आपको देखना है, मिलाना है बीच में कि आप कहाँ क्या क्या सही, क्या 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 गलत किया, उस पर बिल्कुल ध्यान रखना है। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी, घोड़ा दौड़ता है, अश्व धावती। यहाँ तक तो हो गया, अनुवाद भी हो गया। अब चलेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में, कराएंगे मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायतया चित्राणाम नामानि संस्कृत भाषायाम लिखत। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क में हो जाएगा बिडाल, ख में हो जाएगा बानर, ग में हो जाएगा धेनु, घ में हो जाएगा मुष्क, लास्ट में ग में हो जाएगा स्वान या कुकुर। फिर देखेंगे हम यहाँ पर च में हो जाएगा सेवम, ख में हो जाएगा आम्रम, ज में हो जाएगा द्राक्षा फलम, झ में हो जाएगा कदली फलम, य में हो जाएगा पपीतक। तो इस तरह आप देख लिए कि यहाँ लास्ट हो गया, आप देखेंगे कि आपने क्या कितना सही किया, 70 नंबर में से आपने 70 में से क्या आपका कितना आया और कितना आपका गलत हुआ। तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे कि आप 70 में से कितने पाए हैं, क्या कितना मार्क्स आया है आपका, बिल्कुल आप कमेंट करेंगे। और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे और कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि आप 70 में से आपने क्या पाया, कितना मार्क्स आया आपका। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।